हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोसिन पेनलिफ टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को फीवर एंड पेन में यूज की जाती है और भी कई सारी समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह क्रोसिन पेनलिफ टैबलेट जो कि जीएसके कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 65 रुपए है, जो कि इस टीम में 15 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ देखते हैं पैरासिटामोल एंड कैफीन, और इधर को देखते हैं पैरासिटामोल 650 mg, कैफीन 50 mg अवेलेबल है। दोस्तों क्रोसिन पेनलिफ टैबलेट जो कि सबसे बढ़िया टैबलेट है और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको बुखार हो, फीवर हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 2 सर में दर्द हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3 माइग्रेन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4 शरीर में दर्द वगैरह हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 5 वायरल फीवर हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 मलेरिया की फीवर हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, चाहे आपको बॉडी में दर्द हो, बुखार हो तो उसमें यूज कर सकते हैं, आपको कुछ ही खुराक में आराम। चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस टैबलेट को। एडल्ट बड़े को दिन में 2 बार लेना है खाना खाने के बाद। कैसे लेना है दोस्तों, एक सुबह ले लीजिए नाश्ते बाद और एक रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और बच्चों के लिए सिरप अवेलेबल है तो सिरप यूज करवा सकते हैं बच्चों को, तो इसी तरह यूज करना है। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो बातें ध्यान रखें। नंबर 1 इस टैबलेट को लॉन्ग टर्म तक यूज ना करें। नंबर 2 किडनी लीवर पेशेंट इस टैबलेट को यूज ना करें। नंबर 3 यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, बाय दफा किसी केस में ही देखे जैसे कि नोजिया, स्टोमक अपसेट, स्किन रैश, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। क्या दोस्तों, बिल्कुल भी घबराए नहीं, इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दोस्तों पैरासिटामोल टैबलेट में काफी कंपनी ने बना रखे हैं, जैसे कि कालपोल 500 हो गया जो कि जीएसके कंपनी की है, डोलो हो गया 500 माइक्रोलैब कंपनी की है, और सुमो एल हो गया जो कि एलकेम कंपनी की है, और T98 हो गया जो कि मैनकाइंड कंपनी की है। तो इत्यादि आपको किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगा टैबलेट। एंड 650 mg में डोलो 650 mg टैबलेट, कालपोल 650 mg टैबलेट, पैरासिट 650 mg टैबलेट भी अवेलेबल है। और दोस्तों क्रोसिन में और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, क्रोसिन एडवांस टैबलेट, क्रोसिन पेनलिफ टैबलेट, क्रोसिन 650 mg टैबलेट, क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लो टैबलेट, क्रोसिन 120 mg सिरप, क्रोसिन 250 mg सिरप, क्रोसिन ड्रॉप भी अवेलेबल है, तो ये भी परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।